नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नौ में। मैं मुकेश चौरसिया, आप तमाम दर्शकों का हम स्वागत करते हैं नेट विजन के चैनल नंबर 361 पर। और आज से नवरात्र के शुभ दिन से आप देखेंगे न्यूज़ बुलेटिन मेरे साथ, स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन जो कि हम आपको दिखाएंगे नेट विजन चैनल नंबर 361 पर। तो शुरू करते हैं आज के समाचार को, आज की खबरों को। सबसे पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। सकरा के सुजावलपुर में बड़ा सड़क हादसा, ऑटो में टूरिस्ट बस ने मारी टक्कर, ऑटो सवार 5 लोगों की हुई मौत। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है नवरात्र का त्योहार। शारदीय नवरात्र के पहले दिन की गई मां शैलपुत्री की पूजा। दुर्गा पूजा को लेकर मुजफ्फरपुर ट्रैफिक पुलिस का अभियान, जाम की समस्या से बचने के लिए चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। और मुजफ्फरपुर में फिल्मी स्टाइल में पकड़ा गया शराब, फकुली ओपी से उत्पाद की टीम ने पीछा करके रामदयालु के भिकनपुरा में पकड़ा स्कॉर्पियो और शराब। तो मुजफ्फरपुर सकरा थाना इलाके के सुजावलपुर से बड़ी घटना सामने आई है। सड़क दुर्घटना में 5 व्यक्तियों के मरने की खबर है। 4 व्यक्ति की मौत दुर्घटना स्थल पर ही हो गई, वहीं इलाज के दौरान 1 व्यक्ति की मौत हो गई। रविवार को सकरा थाना क्षेत्र के सुजावलपुर के पास NH 28 पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। टूरिस्ट बस और ऑटो की भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बाइक सवार को बचाने में अनियंत्रित बस ने यात्रियों से भरी ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद ऑटो पर सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इलाज के दौरान 5वें व्यक्ति की भी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया, वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ऑटो मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर की तरफ जा रही थी और टूरिस्ट बस समस्तीपुर की तरफ से मुजफ्फरपुर आ रही थी। इसी दौरान बाइक सवार बीच में आ गया और उसे बचाने के लिए बस ने ऑटो में टक्कर मार दी। सर, क्या घटना हुई है यहाँ पे? आज करीब 3:30 के बीच में एक बस ने एक ऑटो को टक्कर मार दी। इसमें अभी तक 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, बाकी कुछ लोग इलाजरत हैं। बस कहाँ से आ रही थी बताया जाए? टूरिस्ट बस है। टूरिस्ट बस है, कहीं बाहर से मतलब घूम के आ रहे थे। यात्री सब उस बस में फंसे हुए थे, लोग उग्र थे। यहाँ को सुरक्षित निकाल लिया गया है और फिर जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी और उन लोगों को सुरक्षित जहाँ जाने वाले हैं। मृतकों की पहचान हो पाई है सब कहाँ के? बिल्कुल, सारे मृतक हैं और मतलब लोकल ही हैं, स्थानीय हैं सब। हाँ, सारे लोग स्थानीय हैं। ऑटो किधर से आ रही थी? ऑटो सुजावलपुर की तरफ से आ रही थी। अच्छा, और तो बाकी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। ठीक, जो भी बस चालक जो है सर भागे, इसके बारे में भागे हैं, बस को सीज कर लिया गया है और बाकी जो कानूनी प्रक्रिया है तुरंत पूरी कर। अहाँ के बेटा कहाँ जाए रहा? सीएनजी भरवावे जाए जानू। सीएनजी? हाँ, किस्ती के गाड़ी बेटा निकाल के 6 महीना तो हो गए कलैया, बड़का बेटा निकाल लक रहे। कथी कहलक रहा घरे से निकल लक रहा तो बेटा दोनों कथी कहलक? घर में रही हमारा तबियत खराब है तो घर में रह लिए, ताली पीछे से निकल गए। बकरी लेके गए तब कहे कि माँ दल्ली आ जल्दी आ, सब खत्म हो गए कोनिया में जाके। कथी नाम है बेटा के? आशिक, मोहम्मद आशिक। और एगो के? एगो के सहजादा, मोहम्मद सहजादा। आगे दुल्हा की काम करे? आगल न पागल कोई काम न, तेरे वाला काम करे कलकत्ता गए वही न काम हुए तो झगड़ा करे के चलते कलकत्ते लोग छोड़ ले आती है। अच्छा अच्छा, सब दिन फोन करके बउवा से चली आ गए। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। माँ दुर्गा का पावन पवित्र त्यौहार जिसकी शुरुआत आज की गई माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। मुजफ्फरपुर के मंदिरों में खास भीड़ भाड़ देखने को मिली। राजराजेश्वरी देवी मंदिर में लोगों का उत्साह देखने को मिला, चाहे बच्चे हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, सभी आज माता के पहले दिन दर्शन करने पहुंचे। वहीं अगर बगलामुखी मंदिर की बात करें तो वहाँ भी भीड़ भाड़ देखी गई। साथ ही साथ गोला के दुर्गा स्थान मंदिर पर भी
काफी भीड़ देखी गई। वहीं दुर्गा पूजा में शहर में पंडालों का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। जगह जगह पर अलग अलग तरह के पंडाल बनाए जा रहे हैं, आकर्षित पंडाल बनाए जा रहे हैं ताकि दुर्गा पूजा का जो मेला लोग घूमेंगे उसमें उनको मज़ा आए और लोग दुर्गा पूजा का अच्छी तरह से लुत्फ उठाएं। देखिए एक विशेष रिपोर्ट हमारे सहयोगी आकाश मिश्रा और विकास कुमार की। नवरात्रा को लेकर हम आपको विभिन्न जगहों की तस्वीर जो है वह दिखाएंगे। पहले हम आप पहुंच चुके हैं रामदयालु, आपको यहां की भी तस्वीर दिखाएंगे किस तरह से जो पंडाल जो बन रहा है वह आप तस्वीर में देख सकते हैं। यह जो तैयारी जो है रामदयालु में आपको दिखने को मिल रही है। यहाँ हम एक वार्ड पार्षद भी हैं, जीवेश कुमार जो है वार्ड पार्षद वार्ड 31 से हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ तैयारी चल रही है। यहाँ हम लोगों का IDS कॉलेज रामदयालु चौक पे यह विगत 75 सालों से यहाँ पूजा आयोजन किया जाता है और सबसे शहर के इंट्रेंस पॉइंट पर है। शहर में जो घुसते हैं उसमें रामदयालु गुमती के बाद सबसे पहला हम ही लोग का पंडाल पड़ता है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है वार्ड 31 पूरे नगर निगम के लिए, क्योंकि यहाँ हम ही लोग की सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि पंडाल सुरक्षित रहे और यहाँ जो भी लोग आएँ वो सुरक्षित मूर्ति का दर्शन करके जाएँ। उसके लिए सफाई व्यवस्था पर विशेष जोर रहता है, अग्निशामक की व्यवस्था रहती है, CCTV फुटेज की व्यवस्था रहती है। हमारे यहाँ 51 वॉलंटियर हैं जो विधि व्यवस्था को देखने के लिए किसी तरह का किसी को परेशानी नहीं हो, महिलाओं और जेंट्स दोनों के लिए अलग अलग लाइन बना रहता है। 3 दिन बृहद पैमाने पर प्रसाद की व्यवस्था की जाती है, सप्तमी अष्टमी नवमी जो बृहद प्रसाद की व्यवस्था है। एक दिन हम लोग बुनिया लड्डू खिलाते हैं, एक दिन हम लोग प्रसाद में हलवा देते हैं अष्टमी को, और नवमी को महाभोग खिचड़ी का लगता है। जिससे पंडाल का क्या स्वरूप रहेगा? पंडाल का स्वरूप हम लोग बाबा गरीबनाथ के मन ये में है, इसलिए हम लोग का प्रयास रहता है कि बाबा गरीबनाथ का ही रूप दिया जाए कि हम लोग का लोगों को आकर्षित करता है। आप तो यहाँ के अध्यक्ष हैं, क्या कुछ खास रहेगा इस बार नवरात्रा को लेकर? देखिए मूर्ति हमारे यहाँ खास रूप से बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार की जाती है, उसके लिए हम लोग बाहर से कारीगर। इधर कहाँ से आते हैं? मेन तो यहीं का आम गोला का है, मगर वो स्टाफ जो है वो बंगाल से लाते हैं और हम लोग तीन राक्षस का वध दिखलाते हैं यहाँ पे। इस बार भी मूर्ति भव्य रूप से तैयार हो रही है। हम सभी लोग से यह निवेदन करेंगे जो भी श्रद्धालु ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके हमारे यहाँ मूर्ति का दर्शन करें। तो ये थे हमारे साथ जो अध्यक्ष और वार्ड पार्षद से भी हमने बात किया है, और भी लोग हैं उनसे भी बात किया। तो आपको बता दें कि आपको हम यह जो तस्वीर जो है सीधी तस्वीर जो है हम आपको रामदयालु के दिखा रहे हैं। यह जब हमने बात किया तो उन्होंने साफ कहा है कि गरीब स्थान जो है उनका स्वरूप जो पंडाल में देखने को मिलेगा। ऐसे में हम आपको बता दें कि आज शहर के विभिन्न जगहों की तस्वीर दिखाएंगे हमारे संवाददाता जो हैं, वह आपको कल्याणी चौक पर जो तस्वीर है किस तरह से वहां पंडाल भव्य तरीके से बनाया जा रहा है वह भी दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहे। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है शहर के कल्याणी चौक पे, आपको बता दें कि यहाँ पे जो कल्याणी चौक पे जो जिस तरह से पंडाल बना है, भव्य पंडाल बना हुआ है, ये काफ़ी अनोखा दिख रहा होगा। ये अनोखा दिखने का कारण है कि यहाँ पे भारत मंडपम G20 का जो पंडाल का जो रुख है वो बनाया गया है। देख सकते हैं किस तरह कल्याणी चौक की तस्वीर है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पे जो माँ का जो आगमन हो रहा है, वह मुंगेर की बड़ी दुर्गा माँ आ रही है। बड़ी दुर्गा माँ का जो आगमन यहाँ पे जो मंच बनाया गया है वो लोक कल्याण मंच बनाया गया है। वहीं सप्तमी से जिस तरह की जो भीड़ होगी, भक्तों का जो जनसैलाब यहाँ पे कल्याणी चौक पर उमड़ेगा, उसको लेकर के प्रशासन की जो व्यवस्था की गई है पूरी तरह से प्रशासन की जो व्यवस्था रहेगी, और यहाँ पे पूरी तरह से इसको CCTV कैमरे में पूरा जो माहौल है इसको कैद किया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह कल्याणी चौक का जो ये पंडाल है, ये जो दृश्य बनाया गया है कल्याणी चौक की है। वहीं आपको बता दें कि ये जो बीते जो सप्तमी जो होगी, सप्तमी से जिस तरह का यहाँ पे जो भीड़ होगी, भीड़ को नियंत्रण करने के लिए भी आपको बता चुके हैं। अब सीधी तरह से आपको पंकज मार्केट में चल के दिखाएंगे वहाँ पे क्या कुछ है, वहाँ पे क्या कुछ अनोखा है। इस वक्त मेरी उपस्थिति सरेगंज टावर के पंकज मार्केट में मौजूद है, और पंकज मार्केट में जो पूजा का आयोजन किया जाता है, दुर्गा पूजा नवरात्रा का जो आयोजन किया जाता है, ऐसे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कार्यक्रम जो पूजा का जो आयोजन होता है उससे संयोजक जो है प्रवीण चौधरी, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ व्यवस्था किया गया यहाँ पे। पूरे शहरवासियों का
दशहरा का हार्दिक हार्दिक शुभकामना साथी परिषद दुर्गा पूजा समिति पंकज मार्केट द्वारा। ईश्वर माता के आशीर्वाद से 51वां साल होने जा रही है। बहुत ही विधि विधान से इस बार पूजा की व्यवस्था की गई है। मेन गेट जो हुई इस बार जो है जो आपको उदयपुर राजस्थान उदयपुर का राणा प्रताप सिंह का किला का दर्शाया जा रहा है। कारीगर कहाँ के? कारीगर जो है आपको रहने वाला तो मेन यहीं के राजकुमार उर्फ कल्लू जी द्वारा, और कारीगर जो है करीब 75 वो कारीगर करीब आ करके वो गेट में लगे हुए हैं दिन रात। एक वो कलकत्ता के निवासी है लोग जो बना रहे हैं वो गेट, और अंदर की जो व्यवस्था है वो आसमानी रूप दिया जा रहा है, जैसे कि दर्शन करने वाले लोगों को महसूस हो कि माता बिरजवान है आसमान में, वो रूप दिया जा रहा है। और जितने प्रतिमा है वो सब जो है इस बार सवारी पे है, और माता भैंसासुर से युद्ध करते हुए नजर आएगा आएंगी है। वो आपको दर्शन करने वाले को महसूस होगा कि माता जो है युद्ध कर रही है भैंसासुर से, मूवी दिखाया जाएगा। और ये जो है जो भी अंदर की व्यवस्था है वो आराधना इनको अरुण जी की द्वारा, जैसे कि आसमानी रूप जो दिया जाएगा वो लाइट साउंड और आराधना इनको अरुण जी जो पंकज मार्केट निवासी है उनके द्वारा वो आसमानी जो रूप दिया जाएगा, और आराधना इनको द्वारा वो भी कलाकार जो है ना जो आसमानी रूप देंगे उनको भी कलकत्ता से ही बुलाया गया है। प्रशासनिक व्यवस्था क्या कुछ रही, इस तरह की भीड़ होती है? प्रशासनिक व्यवस्था हम लोग को बुलाहट होती है हर साल, इस बार ASP के साथ रहते हुए हम लोग को जो कहना था उनको जो कहना था एक दूसरे से बात हुई, हमें जो चाहिए वो हर साल उस ढंग से प्रशासनिक व्यवस्था जो है और लेडीज जेंट्स पुलिस की व्यवस्था रहेगी, और पूरे पंडाल में मेन गेट से लेकर अंदर तक ला पूरे पंडाल में CC कैमरा की व्यवस्था की गई है, और साथ साथ वीडियोग्राफी का व्यवस्था की गई है, जो कोई भी तरह की बात हो तो आपको यहाँ पे जो है एक ऑफिस बनाया गया है जो हर तरह की रिकॉर्डिंग होते रहे। और माता के जो इस बार चार पहिया वाहन की जो जाम लगती है उसके चार पहिया वाहन के लिए हम लोग को बात हो गई है यातायात प्रभारी से, टावर से उधर ही चार चक्का रहेगी और इधर छाता बाजार से उधर लोग आएंगे गाड़ी लगा के पैदल दर्शन करने। तो इस वक्त हमारे साथ प्रवीण चौधरी थे जो सरैयागंज टावर के पास जो पंकज मार्केट है वहाँ के जो पूजा आयोजक है वो से बातचीत की, और विभिन्न जगहों की तस्वीरें जो आपको दिखाएंगे हमारे संवाददाता जो है आगे की तस्वीर दिखाएंगे, बने रहे बिहार लाइव नाउ के साथ। तो आपने देखा है मुजफ्फरपुर के विभिन्न जगहों पर किस तरह से जो है पूजा की जो तैयारी चली है नवरात्रा की, आपने तस्वीर देखा है। अभी हम धर्मशाला चौक पर पहुँच चुके हैं, यहाँ भी हम बात करेंगे यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ व्यवस्था है इस बार पूजा को लेकर। यहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था किया जा रहा है और भक्तों को एक नया रूप देखने को मिलेगा हमारे महामाया स्थान संतोषी माता मंदिर से। देवघर का यहाँ पे स्वरूप दिया जा रहा है, जो गुम्बद जो है वो हम लोग थीम दे रहे हैं पंडाल का, तो देवघर की तरफ देखने को मिलेगा। हाँ जी हाँ जी, और जो यहाँ पे मूविंग का जो व्यवस्था है वो तो हर साल रहते हैं, कुछ अलग भी हम लोग मूविंग में दे रहे हैं, जो हिरण्यकश्यप का जो वध करते हुए वो मैं थीम दे रहा हूँ। किस तरह से लोगों को ये पसंद आएगी, थीम के बारे में पूरी जानकारी? जो हिरण्यकश्यप जो जैसे वध किए थे नरसिंह का उस तरह से दर्शाया जाएगा। हाँ, नरसिंह भगवान के द्वारा हिरण्यकश्यप का जो वध हुआ था उनके तरह यहाँ पे मूविंग दिखाया जाएगा। और क्या कुछ यहाँ कारीगर जो आ रहे हैं बनाने के लिए देवघर की तरह जो बनाया जाएगा, तो उसके लिए तो कारीगर कहाँ से? जो ये देवघर का जो हम लोग जो थीम दिए हैं वो बंगाल से आ रहा है कारीगर, सारे बंगाल के कारीगर है। कारीगर बंगाल? हाँ, बंगाल का कारीगर है। भीड़ काफ़ी देखने को मिलेगी क्योंकि ये मोती झील के ओवर ब्रिज भी है सामने, तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ व्यवस्था? देखिए, हमारा संतोषी माता मंदिर जो है वो काफ़ी पुराने हैं और भक्तों को मतलब यहाँ पे उत्साह रहता है कि यहाँ का मूविंग और यहाँ का मूर्ति देखने का, तो इसके लेकर के बहुत ज़्यादा भीड़ रहते हैं। ठीक है, तो इसका सारा व्यवस्था है, प्रशासन से भी व्यवस्था मिला हुआ और हमारे जितने भी वॉलंटियर प्रशासन ने क्या कुछ बात प्रशासन क्या प्रशासन का हम लोग का यहाँ पे विशेष व्यवस्था मिल जाते हैं। पार्किंग को लेकर कोई व्यवस्था, क्योंकि मुजफ्फरपुर शहर में पार्किंग की व्यवस्था को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठते हैं, तो इस तरह से पूजा में बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, तो उसके लिए क्या कुछ कंट्रोल किया?
देखिए पार्किंग का तो हम लोग पहले वहाँ पे मतलब बैरिकेडिंग कर देते हैं और पार्किंग हम लोग मतलब साइड में कर देते हैं। गाड़ी जो भी होते हैं पंडाल के अंदर में कोई एंट्री नहीं होती है। पंडाल के अंदर जो भी होता है वो पद यात्रा होता है, ठीक है। और वॉलंटियर का यहाँ पे सारा व्यवस्था रहता है, उसमें कोई भी तरह का कमी नहीं रहती है। लेडीज़ का अलग रहता है, जेंट्स का अलग रहता है। कब से जो लोग हैं नवरात्रा को लेकर यह दृश्य जो है देखने, सप्तमी के दिन आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। हमारे षष्ठी के दिन ये सारा तैयार हो जाएंगे और सप्तमी के दिन जब उनका मुख खुलेगा माता रानी का तो सारे भक्त आकर के दर्शन कर सकते हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। ऐसे में आपको मुजफ्फरपुर के विभिन्न जगहों की जो है नवरात्रा को लेकर जो तस्वीर थी वो आपको हमने दिखाया है। ऐसे में आपको बता दें कि धर्मशाला चौक पर जो है अब आपको देवघर में जिस तरह से जो नज़ारा भगवान का जो देखने को मिल रही है उसी तरह का यहाँ पंडाल देवघर के तरफ बनाया जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि लोगों को कितना काफ़ी पसंद आती है। ऐसी खबर को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें सहयोगी विकास के साथ आकाश मिश्रा। वहीं दुर्गा पूजा के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस का एक्शन भी देखने को मिला है। मुजफ्फरपुर में ASP टाउन के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस ने अतिक्रमणकारियों को हटाने का काम किया। मुजफ्फरपुर जहां जाम की समस्या हमेशा बनी रहती है और दुर्गा पूजा में खास तौर पर पंडालों के कारण भी सड़कें छोटी हो जाती है जिसके कारण जाम की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाया है। रविवार को ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाते हुए मुजफ्फरपुर के अघोरिया बाजार, मोती झील, तिलक मैदान, सरैयागंज टावर चौक, गोला रोड आदि से अतिक्रमण को हटाया। मुजफ्फरपुर के नगर निगम क्षेत्र में आज प्रशासन का बुलडोजर चला। वहीं बता दें कि बुलडोजर चलाने का मुख्य कारण जो था नवरात्रा को लेकर के शहर के जो विभिन्न जगह हैं, जो नगर निगम क्षेत्र है वहाँ दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण लगाया जा रहा है। जो सड़क तक उनकी जो दुकानें हैं वो आ जाती, जिसके बाद बुलडोजर चलाकर कुछ सभी को साइड किया गया और जितने कुछ भी सड़क पे जो किसी की कोई सामग्री पड़ रही थी उसको बुलडोजर के द्वारा जो नगर निगम के जो वाहन है उसमें डाल दिया जाता है। वही हमने पूरे मामले को लेकर के मुजफ्फरपुर के SP से बातचीत किया तो उन्होंने साफ साफ बताया कि यह नवरात्रा की तैयारी चल रही है, जिसमें नवरात्रा में लोगों को जाम से निजात चलाने की तैयारी है। और आपको बता दें कि यह जो तैयारी है, ये जो बुलडोजर की जो बातें, ये लगातार अभी नवरात्रा के सप्तमी, अष्टमी, नवमी तक ये चलते रहेगा, जिससे शहर में जो वाहन, जो जिस तरह से लोग वाहन लगा के चले जाते हैं और कई दुकानदार जो है वह अपने सामग्री को बाहर भी सड़क पर रख देते हैं, जिसके कारण आज कई दुकानदारों का चालान भी काटा गया। वहीं पूरे मामले को लेकर के हमने मुजफ्फरपुर के SP से, टाउन SP से बातचीत किया, उन्होंने साफ साफ बताया कि यह जो विधि है, जिस तरह से चल रही है, जो क्रियाकलाप है, ये लगातार चलती रहेगी, ये नवरात्रा तक चलेगी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद शराब तस्करों ने नए नए तरीके से बिहार में शराब लाने का काम किया है। मुजफ्फरपुर में आज फिल्म स्टाइल से शराब लाने का काम किया गया, जहां फकुली OP से उत्पाद विभाग की टीम ने खदेड़ कर स्कॉर्पियो में भरा हुआ शराब और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। नवरात्र के शुभ अवसर पर मुजफ्फरपुर कांटी नरसंडा चौक के साथ ही नवदुर्गा पूजा समिति की ओर से कलश यात्रा का आयोजन किया गया। देखिए हमारे संवाददाता अब्दुल जब्बार की खास रिपोर्ट। आज से शारदीय नवरात्रा की शुरुआत हो गई है और नरसंडा चौक मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड अंतर्गत नरसंडा चौक से साथ ही नवदुर्गा पूजा समिति की ओर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई है, जो अभी कहे तो गंगा जी के पास पहुंची है। ये कलवारी घाट है और यहां आकर विधिवत पूजा करके और उसके बाद यहां से कन्याएं जल लेकर फिर से लगभग 10 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद नरसंडा चौक पर, यानी कि साथ ही नवदुर्गा पूजा समिति नरसंडा चौक के प्रांगण पहुंचेगी। कितने कष्ट है यहां पे, जो बम जो आई है कन्याएं उनसे बात करते हैं, आप लोग को आने में कितना कठिनाई हुआ? कितना कठिनाई हुआ? बहुत ज्यादा कठिनाई। माता रानी कृपा बना के रखेंगे? हाँ रखेंगे। क्या कहेंगे आप लोग इतने दूर चल के आए हैं फिर जाना है, क्या माता रानी का कृपा रहेगा? रहेगा, इतना पैदल चल के आए हैं तो जरूर माता रानी मतलब कृपा बनाए रखेंगे। कृपा बनाए रखेंगे। और यहाँ बाबा ये आप हर साल यहाँ आते हैं, क्या इस बार का क्या कुछ अलग है? इस बार तो माता रानी हाथी पे सवार होके आएंगी और मुर्गे पे जाएंगी, तो क्या कुछ लग रहा है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। प्रत्येक वर्ष हमारा जो जुलूस है नवजुबा दुर्गा पूजा समिति, इसमें काफ़ी भीड़ बढ़ती जा रही है
हर बार हम लोग कुछ नए दिखाने का काम करते हैं, नए तरीके से पंडाल बनता है, नए तरीके से व्यवस्था होता है। और माता रानी हाथी पे आ रही है, सौभाग्य है वो भी आज रविवार के दिन हम लोग का कल स्थापना है। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त में बहुत ही सौभाग्य की बात है। और जो भी हमारे यहाँ आते हैं सभी धर्म के लोगों ने मिलकर हमारे जुलूस को एक साथ लेकर चलने का काम करते हैं। अच्छा से अच्छा जो इनका प्रतिक्रिया होती है बहुत ही सुंदर होता है। और हम आग्रह करते हैं यहाँ रहने वाले सभी लोगों से कि हर चीज़ में एकजुटता होकर अपना कार्य करें और किसी भी पर्व में किसी तरह का कोई त्रुटि नहीं होता है हम लोगों का, सब लोग एक साथ करते हैं। इसी के साथ जय माता दी। ये तस्वीरें हैं बिहार लाइव नाउ पे, आप बने रहें, आगे के पूरे फुटेज दिखाएंगे और उसके बाद फिर से जो भी यहाँ कन्या आई है वो रास्ते का भी हमें दिखाने की कोशिश करेंगे। जब तक बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ। रविवार को मोती झील न्यू मार्केट बम पुलिस गली में जींस और शर्ट्स के बड़े रेंज की दुकान का शुभारंभ किया गया। रविवार को मोती झील न्यू मार्केट बम पुलिस गली में जींस टेलर शूटिंग शर्टिंग दुकान का उद्घाटन विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता काट कर किया। जींस टेलर शूटिंग शर्टिंग के प्रोप्राइटर इश्तियाक अहमद उर्फ नन्हे ने बताया कि हमारे यहाँ कई ब्रांड के कपड़े मौजूद हैं जो मुजफ्फरपुर में बहुत कम जगहों पर मिलते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला में ये पहली ऐसी दुकान है जहाँ ग्राहकों को 50 से ज्यादा कलर के जींस और शर्ट्स मिलेंगे। आज जो है नवरात्रा है, इसलिए पूरे मुजफ्फरपुर शहरवासी को हमारे तरफ से जो है उनको शुभकामनाएं देते हैं। और आज हमारा दुकान का जो है उद्घाटन किया गया है नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के द्वारा, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या क्या वैरायटी है यहाँ पे? वैरायटी में यह है कि जैसे कि हमारे पास लगभग 50 कलर जो है जीन्स का है, समझ रहे हैं ना, जो आपको लगभग बहुत कम जगह मिलेंगे। दूसरी बात कोटराइज का 20-25 कलर है, प्लस लिनन कॉटन कोट पैंट कुर्ता पैजामा जितना भी शूटिंग शाटिंग का कपड़ा होता है वो टोटल है। और जो है आपको सब ब्रांडेड कपड़ा है। ग्राहकों के लिए क्या कुछ ऑफर है? ग्राहक के लिए ऑफर है कि एक बार आए और देखें, पसंद पड़े तो ले, नहीं तो चाय पिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में विश्वास जीतेंगे तो आएंगे, ठीक है। हाँ अभी टोटल डिस्काउंट है, आएंगे तो जरूर देंगे। अभी उद्घाटन के शुभ अवसर पर अगर चाहते हैं तो ग्राहक के लिए विशेष हम छूट जरूर देंगे। फेस्टिवल है, दीपावली है, उसको लेकर भी ऑफर ऊपर दिए जा रहे हैं? जी जी देंगे, अगर चाहे ग्राहक हमारे ग्राहक आते हैं तो उनको हम देंगे, जहाँ तक हमारे अंदर संभव है वो हम देंगे। कुर्ता पजामा का किस तरह का? जी कुर्ता पजामा का आपको डेनिम का फैब्रिक भी है, प्लस जो है आपको कॉटन है, लेलन है, टोटल आपको प्लेन से लेकर डिजाइनर टोटल कुर्ता पजामा का जो है फैब्रिक है। मेरे को बाहर नहीं जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, अब जाने की जरूरत नहीं, चूंकि लोग बहुत सारे लोग जो जिनको मतलब फिटिंग सही नहीं आता है रेडीमेड का, वो सब बहुत ज्यादा जो है बाहर जाते थे सिलवाने के लिए, कपड़ा नहीं मिलता था। अब सारा व्यवस्था हमारे पास है। अब लोग एड्रेस क्या है दुकान का? एड्रेस हमारा है न्यू मार्केट बम पुलिस गली मोती झील मुजफ्फरपुर, जींस टेलर शूटिंग शाटिंग, नाम हमारा इश्तियाक अहमद उर्फ नन्हे हुआ। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात और बिहार लाइव नाउ पर देखेंगे मुजफ्फरपुर की तमाम खबरें। नमस्कार।